फिट प्रोडक्ट रेंज का पहला प्रोडक्ट जो कि है हमारा यहां पर जबरदस्त प्रोडक्ट, वो है स्टीम रिज। स्टीम रिज के बारे में हम यहां पर जानकारी लेंगे। अभी मैंने बताया कि ये रिवैम्प हुआ हुआ स्टीम रिज है, नया स्टीम रिज, जबरदस्त स्टीम रिज। अभी आप बोलेंगे कि सर पहला स्टीम रिज तो बहुत जबरदस्त था, अभी ये नए स्टीम रिज में क्या जबरदस्त तरीके से ऐड किया है। देखो पहला ही लाइन लिखा है कि एडेड हाईली पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड बायो स्टिमुलेंट्स, है ना। अभी आप बोलेंगे कि सर ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो स्टिमुलेंट आप बार बार क्यों बोल रहे हो, है ना। देखो ये हमारे नए प्रोडक्ट्स में ऐड किया हुआ है, पहले भी था लेकिन अभी और जबरदस्त तरीके से और नए नए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हैं। मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था कि हमारी प्लांट को ग्रोथ होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और ये हार्मोन्स होते हैं, ये फसल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, अंदर होते लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है ना। अगर इनकी मात्रा अगर बढ़ानी है तो क्या किया जाता है कि इनको उसमें से निकाला जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसको बोतल में पैक करके इसको फिर से छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो है ये इंस्टेंट इफेक्ट देने का काम करता है। नेचुरल प्रोसेस है, पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। तो ये अलग अलग फसल में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने जबरदस्त तरीके से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसके इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, उसी के अंदर फाइटो हार्मोन्स ऐड किए हुए हैं जिसे हम बायो स्टिमुलेंट्स कहते हैं, उसी के साथ इसकी इफिशियंसी एनहांस की गई है, यानी कि जो हमारा इसके अंदर जितने कंटेंट हमने डाले, जितना भी हमने रॉ मटेरियल डाला है, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। देखो क्या होता है कई बार इसके अंदर हम कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट तो बहुत अच्छे तरीके से होते लेकिन उस हर एक कंटेंट का इफेक्टिवनेस उतना बढ़िया नहीं होता है, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए नेक्सब कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट है उन सभी कंटेंट का 100% इफिशियंसी बढ़े उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और आप जैसे ही स्टीम रिज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी फसल है उसकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये डिसीज के खिलाफ, ये वायरस के खिलाफ, ये बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए काबिल रहेगा। इसके ऊपर अटैक भी हुआ तो भी फसल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। मैंने जैसे बताया कि ये दुश्मन का अटैक भी होगा, कौन सा, बैक्टीरिया का अटैक, वायरस का अटैक, फंगस का अटैक भी हुआ तो भी हमारी फसल की रोग प्रतिकार क्षमता इतनी जबरदस्त रहेगी जिसकी वजह से फसल जो है ये अच्छी तरीके से उसके अगेंस्ट ये काम कर पाएगी। उसी के साथ स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी, हम इसके अंदर ऐसे कंटेंट डाले गए हैं जिसकी वजह से हमारी फसल स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी कर पाएगी। आप बोलेंगे कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब क्या, कई बार क्या होता है पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, मतलब पिछले साल आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त बारिश हुई और उसके पिछले साल आपने देखा कि बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है। मतलब एक तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर पानी बहुत कम मात्रा में, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है और उस स्ट्रेस कंडीशन में जो फसल है ये सर्वाइव नहीं कर पाती, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। लेकिन आप अगर स्टीम रिज का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर के जो कंटेंट है इस तरीके से इफेक्टिवनेस जताते हैं कि वहां पर वो स्ट्रेस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस दिखा सकती है, वो वहां पर खड़ी रह सकती है आपकी फसल, उसी के साथ फसल के अंदर यहां पर इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिकार क्षमता भी यहां पर स्ट्रांग होगी। तो यहां पर जो है हमारा स्टीम रिज जो है ये जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो ये नया जो है, ये नए स्टीम रिज के नए बेनिफिट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो अभी ये स्टीम रिज जो है ये कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो स्टीम रिज है ये कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज एडिशनल आपको बताना चाहूंगा कि मैं कब से एक चीज बता रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं। कई बार हमारे किसान भाई हमारे डायरेक्ट सेलर को क्वेश्चन पूछते हैं
कि सर इसके अंदर कंटेंट क्या है, स्टीम रिज के अंदर के कंटेंट बताओ, पूछते कि नहीं पूछते 100%। कई बार 100 में से एक दो किसान पूछते हैं, तो आप उन लोगों को एक अच्छा सा सवाल जो ये आता है उसका जवाब भी दे सकते हैं कि सर हमारा जो स्टीम रिज है उसके अंदर हमारे कंपनी ने अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआर और बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये कौन से है ये हम उनको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन आज मैं आपके सामने इसका एक इस लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं कि इस तरीके के बायोस्टिमुलेंट्स हमने इस्तेमाल किए हुए, इसमें से कुछ बायोस्टिमुलेंट और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने डाले हुए हैं। ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर अवेलेबल है। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मेनली चार कैटेगरी, कौन से, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबलेरिन और फ्लोरिजिन, ये चार अलग अलग प्लांट पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट कौन से, ह्यूमिक एसिड, सीवीडेक्सट्रेट, फोलिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोस्टिमुलेंट्स का काम करते हैं और इसका यूनिक कॉम्बिनेशन स्टीम रिज के अंदर है। अभी मैं आपके सामने और एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में आप अगर टॉनिक लेने को जाते हैं ना, तो आपको जिब्रेलिन अलग मिलता है, ह्यूमिक अलग मिलता है, फोलिक अलग मिलता है, एंजाइम्स अलग मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग मिलते हैं, अलग अलग टॉनिक के अंदर ये अलग अलग रहते हैं। मतलब आप अगर कोई भी दुकानदार के पास चले जाओ तो आपको सिर्फ ह्यूमिक उठा के दे देगा, वो बोलेगा ह्यूमिक एसिड दो, ह्यूमिक की बोतल दे दी, है ना। आप बोलेगा जिब्रेलिन चाहिए, जिब्रेलिन, लेकिन नेक्सप ने नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब ये लगभग 15 से 16 एलिमेंट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के एक वर्ल्ड क्लास स्टीम रिज यहां पर बनाया हुआ है। इस तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन आप एक काम करो, ये सारे लिस्ट डाउन कर लो और मार्केट में चले जाओ। बहुत सारे किसान मुझे पूछते हैं कि सर स्टीम रिज थोड़ा सा महंगा है क्या, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन आप इनके सारे की लिस्टिंग कर लो और मार्केट में चले जाओ और उनको बोलो कि मुझे एक ही बोतल में ये सारे कंटेंट चाहिए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन नेक्सप ने इसका यूनिक कॉम्बिनेशन बना के एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ये स्टीम रिज यहां पर बनाया हुआ है। तो बायोस्टिमुलेट कौन से, यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, मतलब हम इसे समुद्र के अंदर जो अलगी यानी कि सैवाल जो मिलता है उसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और फ्लोरिजिन, ये फसल के अलग अलग अवस्था में इनका अलग अलग रोल है। ये भी मैं आपको अलग अलग अवस्था जो बताऊंगा तब आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये जबरदस्त तरीके से वाला प्रोडक्ट है, तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है और कौन से अवस्था में स्टीम रिज को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे हम बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड जर्मिनेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप बहुत सारे किसान भाई जो है, अभी हमारा एग्रीकल्चर का सीजन स्टार्ट हो चुका है, 25 मई से हमारा खरीफ का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर हमारे किसान भाई ऑलरेडी जो है बीज जो है ये बोनी स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर अगर देखते हैं कपास की बोनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो 25 मई से लगभग हमारा ये खरीफ का सीजन जो है ये स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम बीज उपचार कर सकते हैं क्या हमारी फसल, हमारी जो बीज है उसको, हाँ बिल्कुल 100% स्टीम रिज के साथ आप कोई भी बीज को उपचारित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल 100% बीज उपचारित कर सकते हैं। लेकिन जिस फसल की, जिस बीज जो है उसके जो ऊपर का कवरिंग है, कोटिंग है ना, छिलका जो होता है वो अगर बहुत पतला है तो उसके लिए अलग तरीके से उसका स्टीम रिज का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अभी हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप अगर बीज उपचार करते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml, 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml स्टीम रिज डाल के आप
बीज के ऊपर छिड़काव करते हैं, बीज के ऊपर बारीक छिड़काव, मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा गीला करना है, और 10 से 15 मिनट तक उसको आप छांव में रखने रहने दो, क्योंकि वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा पानी के साथ स्टीम रिज को वो बीज। फिर जाके आप उसको सीड ड्रिल में डालो या फिर आप डायरेक्ट इसकी बोनी करो। ये करने से, स्टीम रिज के साथ बीज उपचार करने से, जहां पर आपका जर्मिनेशन 60-70% होने वाला था, वही बीज उपचार करने के बाद 90-95% तक यहां पर अंकुरण होता है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बहुत सारे लोग तो बोल देते, लेकिन ये पॉसिबल कैसे? यहां पर इसके पीछे का थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन मैं आपको यहां पर बताने जाऊंगा। ये सीड है, ये बीज का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी बीज जो होती है, इसके तीन अंग होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट बाहर का, उसके बाद यहां पर देखते हैं कि ये बाहर का स्ट्रक्चर है, उसके बाद अंदर है फूड स्टोरेज, यानी कि जो बीज होती है उसके अंदर उसका खाना रहता है, और रहता है एक एम्ब्रियो, यानी कि यहां पर रहता है गर्भ। कोई भी नॉर्मल बीज का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। तो अभी यहां पर हम अगर देखते हैं, हम जो किसान भाई जो होते हैं, जो बीज हम बोनी करते हैं, तो वो कितने दिन पुरानी होती है? लगभग 1 साल 6 महीना, 1.5 साल 2 साल, इतनी पुरानी बीज आप कंपनी से लो या फिर कहीं से भी लो, खुद की यूज करो, खुद के खेती बीज इस्तेमाल करो, ये लगभग 1 साल 1.5 साल 2 साल 6 महीना पुरानी बीज होती है। फिर भी आपने कभी सोचा है कि यार ये 1 साल 1.5 साल बीज पुरानी होती है, पैकिंग की भी बीज होती है, वो भी 1 साल 1.5 साल 6 महीना पुरानी होती है, 18 महीने तक पुरानी होती है, फिर भी आप जब उसको जमीन के अंदर डालते हैं तो उसमें से अंकुरण कैसे क्या हो जाता है, आपने कभी सोचा? इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि जब हम इस बीज को स्टोरेज करते हैं तो ये बीज जो होती है ये सुप्त अवस्था में चली जाती है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसे, कोमा में चली जाती है ना, इसका मतलब वो मर गई क्या? नहीं, वो जीवित है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंसी स्टेज कहते हैं उसको, साइंटिफिक नेम अगर कहा जाए तो डॉर्मेंसी स्टेज में चली जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है, जो गर्भ है सुप्त अवस्था में जीवित है, लेकिन उसको खाना कहां से मिल रहा है? उसके अंदर जो फूड स्टोरेज है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स इसके अंदर ऑलरेडी है, उसके ऊपर क्या है, ये यहां पर ये जो गर्भ है ये जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही इस बीज को जमीन के अंदर डालते हैं, इसको सही मात्रा में पानी, हवा और थोड़ा सा न्यूट्रिशन के साथ, इसका जब मॉइस्चर इसको मिलता है, हवा मिलती है, तो ये अंकुरित हो जाता है, इसमें से जो है ये पौधा बाहर निकलने लग जाता है। तो ये हो गया इसके पीछे का साइंटिफिक जो है ये प्रोसेस। लेकिन ये स्टीम रिज के साथ बीज उपचार करने से ये 90-95% तक क्यों हो जाता है? और फिर अगर स्टीम रिज इतना भारी है तो 100% क्यों नहीं होता है? इसका भी क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं बताऊंगा। जब हम स्टीम रिज के साथ हम इसका बीज उपचार करते हैं तो स्टीम रिज के अंदर जो कंटेंट है वो क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। मतलब देखो, एंजाइम, बायो स्टिमुलेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सारे का यूनिक कॉम्बिनेशन उस जो यहां पर जो बीज होती है उसको यहां पर स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उस गर्भ को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से उसमें से लगभग 90 से 95 बीज का अंकुरण होता है। लेकिन 5 बीज ऐसी होती है, मतलब रेशो बता रहा हूं, 5% बीज ऐसी होती है कि उसमें से जो गर्भ है ये पूरी तरीके से मर गया है, जिसकी वजह से वहां पर अंकुरण नहीं हो पाता। तो यहां पर जो रेगुलर सीड होती है, आप सिर्फ उसको पानी के साथ और हवा के साथ संपर्क आने से आप कोई भी फसल, आप कोई भी बीज है उसका पाउच अगर आप लेते हैं, मतलब कॉटन का ले लो, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका जर्मिनेशन रेशो जो है ये 70-80% रहेगा, ये उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है। लेकिन ये जब स्टीम रिज के साथ जब इसका कॉन्टेक्ट होता है बीज के, तो इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है साइटोकाइनिन और फोलिक एसिड, यूमिक एसिड, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
कि जो एम्ब्रियो पूरी तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है उसमें से उसको बाहर निकालने का काम ये स्टीम रिच के अंदर के कंटेन करते हैं। इसकी वजह से बीज उपचार करने से 90 से 95% तक का अंकुरण यहां पर होता है। ये यहां का साइंटिफिक रीजन मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश यहां पर की है। तो यहां पर हमें बीज उपचार क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए वो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की। उसी के साथ जो पहला छिड़काव जो है स्टीम रिच का, ये लगभग 3 से 5 पत्ते का जब फसल हो जाती है तब करना बहुत जरूरी होता है ना। तो 3 से 5 पत्तों की फसल मतलब कब, लगभग 10 से 15 दिन की जैसे ही हमारी फसल हो जाती है तब हम अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। सबसे जरूरी चीज देखो, ये भी थोड़ा सा समझने जैसी बात है, 3 से 5 पत्तों की मतलब 10 से 15 दिन की फसल हो गई, तो उस वक्त अगर हम छिड़काव करते हैं तो एक जबरदस्त फायदा यहां पर होता है कि जो सफेद जड़े होती है उनकी संख्या बढ़ती है। अभी सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधा सा क्वेश्चन है, हम किसान भाई को बोल देते हैं कि भाई 10 से 15 दिन के बाद छिड़काव करो, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, ओके वेरी गुड, तो बढ़ेगी तो क्या होगा। देखो कोई भी फसल में 2 तरीके की जड़ होती है, एक होती है मेन जड़ जो कि सपोर्ट देने का काम करती है फसल को, दूसरी होती है सफेद जड़े जो कि फसल में से, मैंने ऑलरेडी बताया, मिनरल्स और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करके, देखो मिनरल्स और पानी और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने का काम, यानी कि वहां से इंटेक करने का, खींचने का काम जो है ये सफेद जड़े करती है। तो जैसे ही हम स्टीम रिच का छिड़काव करते हैं तो इसके अंदर का एक जबरदस्त कंटेंट जो है ये होता है ऑक्सिन। देखो लिखा है ऑक्सिन के यहां के जो प्रॉपर्टीज है नीचे लिखा है प्रमोट रूट इनिशिएशंस, मतलब क्या कि रूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जैसे आप छिड़काव करते हो। तो यहां पर ऑक्सिन की वजह से क्या होता है, यहां पर जो सफेद जड़े हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और आपकी जमीन के अंदर जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके है ना, आप बोलते हो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल को उठा के देने का काम करते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही फसल को पानी और न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में मिलने लग जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा यह होगा कि पत्तों की साइज बढ़ेगी, पत्तों में हरापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है यहां पर प्रकाश संश्लेषण, फिर से पहली स्लाइड पे जाते हैं, जब पत्ते की साइज बढ़ेगी तो इसके अंदर का क्लोरोफिल बढ़ेगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो ग्रीनरी आएगी और फसल जो है और उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। ये पूरा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से है यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की। लगभग 15 से 20 दिन की फसल जैसे ही होती है तब अगर हम छिड़काव करते हैं तो सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी तो जमीन में से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे, फसल को मिलेंगे, उसकी वजह से पत्तों की साइज बड़ी होगी, उसकी ग्रोथ होगी और जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर होगा। ये इसके पीछे का टेक्निकल मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसी के साथ हमारी फसल जैसे ही लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है ना, तो 20 से 25 दिन की जैसे ही हमारी फसल होती है उस वक्त अगर हम अगर यहां पर हमारा छिड़काव करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है यानी कि ब्रांचेस यानी कि टहनियां निकलने, टहनियां ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितनी ज्यादा टहनियां, जितनी ज्यादा ब्रांचेस, जितना ज्यादा स्टेम जो ये मजबूत रहेगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर फूल और फल आएंगे, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत जरूरी होती है फूल धारणा के लिए और उसी का कन्वर्जन बाद में फल में होता है। तो उस वक्त अगर हम एक छिड़काव करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये जबरदस्त तरीके से होती है और जिब्रेलिन और ऑक्सिन और फ्लोराजिन ये 3 तरीके के जबरदस्त कंटेंट जो है ये उस वक्त बहुत काम आते हैं। उसी के साथ हमारे बायो स्टिमुलेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लावरिंग स्टेज, देखो पहला हमने क्या किया
बीज उपचार कर लिया। आप इमेजिन करो कि आपने बीज को बीज उपचारित किया है, 10 लीटर स्टीम, 1 लीटर पानी में आपने लगभग 10 से 15 ml स्टीम रिच आपने डाल दिया, उसको बीज के साथ उपचारित करके उसको रख दिया और छांव में रख दिया। 10-15 मिनट के बाद आपने उसकी बोनी कर दी है। उसके बाद जैसे ही हमारी फसल 10 से 15 दिन की हो गई है, उस वक्त हमने स्टीम रिच का एक जबरदस्त छिड़काव किया। 15 लीटर के पानी में 15 ml हमने स्टीम रिच लिया और उसका हमने यहां पर छिड़काव किया। दूसरा छिड़काव हमने, हमारी फसल जैसे 20 से 25 दिन की हो गई, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक छिड़काव किया। उसके बाद हमने यहां पर फल या फिर फूल लगने की अवस्था, कली लगने की अवस्था में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस वक्त छिड़काव नहीं करते, लेकिन आप सोचो कि ये रिप्रोडक्शन का टाइम है, उस वक्त फसल को सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो उस वक्त हम अगर छिड़काव करते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ेगी, फूलों का लगना ज्यादा होगा, और जब कभी भी क्या होता है, बादल आ जाते हैं, मौसम में कोई बदलाव आता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फूल जो है ये गिर जाते हैं। यानी कि फसल तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उस वक्त जो है ये फूल गिरना शुरू हो जाता है, अगर जैसे कि मौसम में कुछ बदलाव आता है। तो यहां पर हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रो, उसको फूल ज्यादा लगने चाहिए, उसके लिए हम फूल लगने की अवस्था में भी एक छिड़काव कर सकते हैं। उसी के साथ जब दाने भराने की कंडीशन है, मैं कौन सी कंडीशन बता रहा हूं, उस जब फल पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, फल जो है उसकी छोटी साइज है, उस वक्त दाने भराने की जब अवस्था होती है, तब अगर हम स्टीम रिच का अगर एक छिड़काव करते हैं तो फूलों में से फलों का कन्वर्जन ज्यादा होगा, उसी के साथ फलों की साइज बड़ी रहेगी, दाने की साइज बड़ी रहेगी, उसकी चमक ज्यादा रहेगी, उसकी टेस्ट अच्छी रहेगी, उसका कलर अच्छा रहेगा, उसी के साथ उसकी पेरिशेबिलिटी यानी कि उसकी टिकावन क्षमता यानी कि ज्यादा दिन तक वो टिकेगा, ये इस तरीके के यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम इस अवस्था में यानी कि जो फल धारणा हुई है तब अगर हम इसका छिड़काव करते हैं। यानी कि लगभग आपकी फसल में 2 से 3 छिड़काव, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। फसल अगर ज्यादा दिन की है तो 4 छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम 2 से 3 छिड़काव भी और बीज उपचार करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि स्टीम रिच के माध्यम से आपका जो उत्पाद है ये लगभग 15 से 25 से लेकर 40% तक यहां पर हमारा जो उत्पाद है ये बढ़ता है स्टीम रिच के माध्यम से। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 15 लीटर के पंप में 15 ml, मतलब यहां पर हम 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में 1 ml हम यहां पर स्टीम रिच ले सकते हैं, 1 या 2 ml बिल या को भी कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारे किसान भाई मुझे बोलते हैं कि सर स्टीम रिच जो है ये महंगा पड़ता है, आप बताओ कि 1 लीटर स्टीम रिच में कितने पंप बनेंगे 15 लीटर के हिसाब से, लगभग 66, हम एग्जांपल लेते हैं 60 पंप पकड़ते हैं, 60 है ना, 15 लीटर का पंप है ना, 1 लीटर स्टीम रिच आपने बॉटल ली तो उसमें टोटल 60 पंप बनते हैं। और मजे की बात यह है कि एक एकड़ में पहले से लेके आखिरी तक ज्यादा से ज्यादा पहले छिड़काव में आपको 3 से 4 पंप लगेंगे, दूसरे छिड़काव में 5 से 6 पंप लगेंगे, तीसरे छिड़काव में आपको 6 से 7 पंप लगेंगे, ऐसा पूरा एवरेज भी निकालते हैं तो लगभग 20 से 22 पंप, मतलब हमारी जो दवा है ये लगभग 3 से 4 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप सोचो 1 लीटर दवा, और मार्केट से आप कंपेयर करोगे, हमारे दवा का कंपैरिजन करोगे और मार्केट का करोगे, तो एक पंप का खर्चा मार्केट का टॉनिक का जो कि इतना यूनिक कॉम्बिनेशन वाला भी नहीं मिलने वाला है, उसका खर्चा एक पंप का लगभग 40 से 45 रुपए पड़ता है। और हमारा स्टीम रिच जो है आप कैलकुलेट कर लो, 1695 से भी कैलकुलेट करते हैं तो 25 रुपए के नीचे होता है, और डिस्काउंटेड प्राइस लोगे तो ये 15 से 16 रुपए के पंप के आसपास पड़ता है। तो मतलब देखो कि इतना जबरदस्त कम खर्चे में इतने जबरदस्त कंटेंट वाला स्टीम रिच, इतने जबरदस्त खतरनाक तरीके से
नया मॉडिफाइड स्टीम रिच आपको मिलेगा, तो आप इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में मिलते थे वो आपको विद इन 46 आवर्स, 3 से 4 दिन, 2 दिन के अंदर आपको यहां पर इसके रिजल्ट जो है यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से स्टीम रिच इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम रिच मैंने बहुत डीपली समझाया क्योंकि मुझे पता है कि स्टीम रिच प्रोडक्ट जो है ये इसके ऊपर जो है बहुत सारा कंपैरिजन होता है। उसके साथ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायो 95, इसे हम बायो 99 जो है मार्केट में नया हमारा नया मॉडिफाइड बायो 95 जो है ये आया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत सस्ते में लेते हैं, मतलब बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत लाइटली लेते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी डायरेक्ट सेलर है ना, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपको एश्योर्ड बिजनेस देने वाला प्रोडक्ट है 100%। कोई भी किसान के पास गए तो मैं ये कहता हूं कि बायो 95 उसको चिपका के ही आना है। क्यों, उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर इसको जाके क्या प्रमोट करते हैं कि बायो 95 उसके सामने बोतल रखते हैं और बोलते हैं कि ये चिपको है। अरे भैया ये चिपको नहीं है, ये सिर्फ चिपको का काम नहीं करते। हाँ वो किसान भी देखते हैं, हाँ चिपको है क्या, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं पे। अरे ऐसा नहीं है, जो बायो 95 है इसके आप अगर उसके अलग अलग फंक्शन अगर आप समझ लेंगे तो आपको कहता हूं 100% ये सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला प्रोडक्ट है। कैसे, क्या बायो 95 ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग तरीके से, मैं वो समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो बायो 95 है ये बहुत जबरदस्त तरीके से सिलिकॉन बेस्ड है। अभी हमने नया फॉर्मुलेशन बनाया है, ये सिलिकॉन बेस्ड यहां पर हमारा ये जबरदस्त तरीके से बायो 99 बन के आया है। अभी ये क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, हमारा किसान भाई आप इमेजिन करो, है ना, थोड़ा इमेजिनेशन भी करते जाओ तो अच्छा रहता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पंप लेते हैं, 15 लीटर का पंप, 20 लीटर का पंप, उसके अंदर पानी डालते, मार्केट से कोई भी केमिकल दवा लाते, मतलब वो फंगिसाइड हो, वो मतलब चारा मार दवा हो या कीटनाशक हो, कोई भी दवा लाते हैं, 15 लीटर के पंप या 20 लीटर के पंप में पानी भरते, उसमें दवा डालते और उसका छिड़काव चालू कर देते, है ना। अभी आप थोड़ा सा उसको अगर सही तरीके से देखेंगे, पानी और केमिकल यानी कि जो मार्केट से आप कोई भी केमिकल लाते हो वो पानी के साथ पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, पहली चीज। दूसरी, आप कोई भी केमिकल का या फिर किसी भी चीज का इफेक्टिवनेस आपको बढ़ाना है तो आपको पानी जो है ये न्यूट्रल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पानी एक तो एसिडिक होता है या फिर अल्कलाइन होता है। बहुत सारे जो बोर होते हैं, बोर से जो सिंचाई करते हैं या फिर जो नहर से सिंचाई करते हैं या फिर जिनके खेत में कुआं होता है, उनका जो पानी होता है एक तो एसिडिक या अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल पानी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो बायो 95 है ये बहुत हद तक ये काम भी करता है कि यहां पर पानी का पीएच जो है इसको बैलेंस करने का भी काम बहुत हद तक करता है। उसी के साथ ये सरफेस टेंशन ब्रेक करता है, मतलब क्या, देखो पृष्ठभागीय तनाव, मतलब दोनों का जो केमिकल है और पानी है, ये दोनों का जो तनाव है इसका सरफेस टेंशन जो है ये अलग अलग है। ये सरफेस टेंशन एक ही है तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये सरफेस टेंशन अगर अलग अलग है, इसका जो प्रॉपर्टी है अलग अलग है, तो ये पूरी तरीके से